बुलेटिन को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इमरान खान के जेर सदारत मुशावरती इजलास में जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया गया है। कराची, हैदराबाद, दीगर शहरों में जलसे करने का भी फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे रेहान शेख। रेहान बताएगा इजलास में मजीद क्या फैसले हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई की जो सियासी कमेटी का इजलास है वो खत्म हो गया है, जिसमें हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का जो है फैसला किया गया है कि जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। इसके साथ साथ पीटीआई क्यादत ने मुख्तलिफ शहरों में जलसों की मंजूरी भी दे दी। रावलपिंडी, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे होंगे और चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है अपनी तमाम 9 नशस्तों पर खुद इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और तमाम जगहों पर जलसे करेंगे। कराची में 19 तारीख को जलसा होगा, 20 तारीख को हैदराबाद में होगा। इसके साथ साथ इजलास में जो है 25 मई के किरदारों को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाने का भी फैसला किया गया है। इमरान खान का ये कहना था हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, कबल अज वक्त इंतखाबात कराना होंगे। इसके साथ साथ ये बात किल पर जो आजकल जो पीटीआई की आदत ने यह भी कहा है कि शीरी मजारी को इमरान खान ने टास्क किया है कि उन पर टॉर्चर के हवाले से जो है आलमी सतह पर आवाज भी बुलंद की जाए। जी रेहान शेख बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।